चेहरे पे सौम्यता, एक भोलापन, चंचल और प्यारी शख्सियत। एक अदाकारा जिसका पर्दे पर एक अलग ही अंदाज रहा। बाहरी दिखावे से परे ट्रेडिशनल ब्यूटी से भरपूर इस अदाकारा ने महज 13 साल की उम्र में अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। यादें नहीं पुरानी के इस वीडियो में बात होगी हमारी प्यारी और चंचल गुड्डी यानी जया भाद्री की। 1963 में उनके फिल्मी सफर की शुरुआत हुई थी एक बाल कलाकार के रूप में। फिल्म थी सत्यजीत रे की महानगर। और कुछ साल पहले 2016 में उन्होंने अपना ही यानी जया बच्चन का ही किरदार पर्दे पर निभाया। फिल्म थी की एंड का। और अपने इन 53 सालों में जया जी ने भरपूर काम किया और शोहरत कमाई। इन्हें गुड्डी कहें, मिली कहें या फिर कहें अनामिका, जया भाद्री एक जबरदस्त अभिनेत्री के तौर पर हर किरदार में एक अलग ही छाप छोड़ती थी। उनकी मासूमियत और मामूलीपन उनके चाहने वालों के मन में ऐसा असर छोड़ता था कि हर कोई उनको अपने परिवार का हिस्सा महसूस करता था। जया भाद्री का जन्म 9 अप्रैल 1948 में जबलपुर में हुआ था और इनकी पढ़ाई हुई थी भोपाल के सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल से। जया भाद्री के पिता एक मशहूर पत्रकार और लेखक थे। घर में ही पढ़ाई लिखाई का माहौल होने की वजह से घर में आर्ट की बात होती ही रहती थी। पिता की वजह से ही जया ने फिल्मों में अपना कदम रखा। आपने तो अपने बाबूजी से सीखा होगा, कही ना। ग 1963 में जब जया भाद्री सिर्फ 13 साल की ही थी, इत्तेफाकन उन्हें सत्यजीत रे की बंगाली फिल्म महानगर में रोल मिला। जया के काम को इतना सराहा गया कि उनके पिता ने उन्हें बकायदा एक्टिंग सीखने की सलाह दी और फिर क्या था, उनका एडमिशन FTII पुणे में करवा दिया गया और जया वहां से गोल्ड मेडलिस्ट होकर निकली। अभी जया का कोर्स पूरा भी नहीं हुआ था कि एक दिन बॉलीवुड के महान फिल्म मेकर ऋषिकेश मुखर्जी इनके इंस्टीट्यूट पहुंच गए और इनकी प्रिंसिपल से सिफारिश की कि जो लड़की आपके यहां है जया भाद्री, मैं चाहता हूं कि वो मेरे फिल्म में काम करे। फिर क्या था, कोर्स पूरा होते ही जया को 1971 में मशहूर फिल्म गुड्डी में काम करने का मौका हासिल हुआ। एक इंटरव्यू में जया भाद्री ने कहा कि गुड्डी मेरी पहली फिल्म थी और ये फिल्म मेरे दिल के बहुत करीब है। वैसे एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट जुड़ा है फिल्म गुड्डी के मेकिंग से। दरअसल इस फिल्म में जया जी के ऑपोजिट धर्मेंद्र थे। ऑटोग्राफ? ये क्या, अनुपमा देखी थी आपने? 3 बार। अरे बाप रे, अब क्या नाम है? कुसुम। टू कुसुम विद लव।
मेरा प्रेम सच्चा है, मैं हमेशा तुमसे प्रेम करती आई हूं। तुम्हारी छवि से ही प्रेम था मुझे, इसीलिए तुम्हारी सभी फिल्में देखी है मैंने, एक भी नहीं छोड़ी। जैसे मीरा सांसारिक बंधनों को तोड़कर गिद्धर के खोज में चली जाती थी, मैं भी तो स्कूल से भाग भाग कर तुम्हें देखने जाती हूँ। लेकिन पहले इस रोल के लिए अमिताभ जी को चुना गया था। नहीं है तो फिर मेरी खुशी का ख्याल क्यों नहीं किया आपने? मेरी जिंदगी की एक ही तो हसरत थी, उसे क्यों इस बेरहमी से कुचलती है? लेकिन उसी समय अमित जी को फिल्म आनंद के लिए भी चुना गया था, तो डेट्स फ्री ना होने के कारण अमिताभ जी को गुड्डी के ऑफर को छोड़ देना पड़ा। लेकिन मैं इस प्यार के रास्ते पर इतना आगे बढ़ चुका हूं। बस बस बस। कहा जाता है कि जब ऋषिकेश मुखर्जी पहली बार FTII गए थे तो अमिताभ जी भी साथ में थे, तभी जया की नजर इन पे पड़ी थी। और वहीं जया जी ने अपनी सहेलियों से कहा था कि इस लड़के में कोई बात है। कौन जानता था कि एक दिन यही लड़का इनकी किस्मत बन जाएगा। अपने शुरुआती 10 साल के फिल्मी करियर में जया ने एक से एक बढ़कर शानदार फिल्मों में काम किया। नौकर, कोरा कागज और अभिमान जैसी कितनी ही फिल्मों में जया ने साबित कर दिया कि वो एक बेहतरीन अदाकारा हैं। इस जीवन का यही है। और तो और उन्हें फिल्म अभिमान में उनके बेहतरीन अभिनय के लिए फिल्मफेयर अवार्ड से नवाजा भी गया। खाना लगवा। नहीं, मुझे भूख नहीं। क्यों? मुझे हर क्यों का जवाब देना पड़ेगा क्या? जवाब? मैंने कभी जवाब मांगा है आपसे? इसका जवाब तो दीजिए। चित्रा के घर जाकर मुझे साथ लाने के पीछे क्या है? आप नहीं समझेंगे। नहीं समझूंगा। अच्छा तो समझाइए। समझाओ तो समझ लेंगे क्या? देखो मैं साफ साफ बातें करो, ये पहेलियां छोड़ो। तुम समझती हो मैं तुम्हारी शोहरत, तुम्हारे नाम से जलता हूं? मैं नहीं जानती, आप जानते हैं। ओ, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। कोई जरूरत नहीं, मेरी जिंदगी मुझे किसी की भी जरूरत नहीं। मेरी भी जरूरत नहीं। तेरे मेरे मिलन की ये रहना। जया ने कई नामी गिरामी अभिनेताओं के साथ काम किया। 1972 में जया भादुरी ने एक रोमांटिक फिल्म जवानी दीवानी में रणधीर कपूर के साथ काम किया। इस फिल्म ने काफी नाम कमाया, इसके गाने भी काफी मशहूर हुए थे। जया भादुरी ने इस फिल्म में एक ग्लैमरस भूमिका निभाई और एक वर्सटाइल एक्ट्रेस के रूप में अपने आप को साबित किया। नहीं नहीं अभी करो इंतजार। ये किरदार नेक्स्ट डोर सिंपल गर्ल की इमेज से कुछ अलग था। इस फिल्म के बाद तो जैसे उनकी लाइफ में फिल्मों की बौछार सी हो गई। और अब बात मेरी फेवरेट फिल्म अनामिका की। मेरी भीगी भीगी सी पलकों पे रह गए जैसे मेरे सपने बिखर के। ये फिल्म संजीव कुमार और जया भादुरी की बेहतरीन फिल्मों में से एक है। जल मन तेरा भी किसी के मिलन को अनामिका तू भी। गुलजार साहब के लिखे फिल्म कोशिश के बाद इस फिल्म में संजीव और जया दूसरी बार एक रोमांटिक भूमिका निभाते सामने आए। तो शानदार सॉन्ग्स थे इस फिल्म के,
और एक गाना जो लता जी का फेवरेट सॉन्ग था और मेरा भी है। और इसके बाद संजीव कुमार और जया भादुरी फिल्म परिचय में फादर डॉटर के रोल में आए। इस फिल्म का एक गाना है जो आज भी बच्चों में बहुत मशहूर है। सारे के सारे गामा को लेकर गाते चले। बाद में संजीव और जया फिल्म शोले में ससुर और बहू की भूमिका में दिखे। देख रो, देख। ये कहानी भी अधूरी रह गई बीरू। फिल्मों में क्या क्या नहीं हो जाता। फिल्म शोले के दौरान जया बहादुरी से जया बच्चन बन चुकी थी और शायद ये बहुत कम लोग जानते हैं कि वो शूटिंग के दौरान फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट भी थी। उस ऑन स्क्रीन जोड़ी की जो बॉलीवुड और हमारी सबकी जिंदगी के लिए एक मिसाल है। जी हाँ, आप सही समझे, अमिताभ और जया की जोड़ी। तेरी बिंदिया रे, आए हाय तेरी बिंदिया रे। फिल्म इंस्टीट्यूट से शुरू हुआ जया जी का ये इश्क स्क्रीन पर खूब दिखा और फिर रियल जिंदगी में भी दिखा एक सक्सेसफुल मैरिज के रूप में। इस जोड़ी की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री की शुरुआत हुई बी आर इशारा की फिल्म एक नजर से। जो बॉक्स ऑफिस पर तो एवरेज रही, लेकिन इनकी इसी केमिस्ट्री को देखते हुए कई डायरेक्टर्स ने इन्हें साथ लेकर कई हिट फिल्में की। सुपरहिट फिल्म जंजीर इस हिट जोड़ी की जीती जागती मिसाल थी। ये फिल्म अमिताभ और जया दोनों के लिए एक माइलस्टोन साबित हुई। सत्तर और अस्सी के दशक में आई इनकी कई फिल्में आज भी बॉलीवुड की कल्ट क्लासिक फिल्म्स मानी जाती हैं। कोई बनाए बातें, चाहे अब जितनी, अभिमान, चुपके चुपके, मिली, शोले, सिलसिला, ये फिल्में तो जितनी बार देख लें कम है। देखिए, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। आप रोज सुबह बाग में पढ़ने आती हैं ना, इसलिए मैं चला। और अब आप देख के मुझे वापस लौट रहे हैं। क्या किस्मत है मेरी। अब भी आप कहते हैं मैं आपको गलत समझ रही हूँ। शादी के बाद किसी दूसरी लड़की से प्यार जताना क्या शरीफों का काम है? वसुधा जी, मैं वो नहीं हूँ जो आप समझ रही हैं। मैं आपको एक शरीफ इंसान समझती हूँ। आप गलत समझ रही हैं। मेरा मतलब मैं शरीफ हूँ, लेकिन मैं आपकी बहुत इज्जत करती थी, लेकिन आपने नफरत करने पर मजबूर कर दिया। ओ, आप तो कुछ समझती नहीं है ना। जी नहीं, मैं कुछ समझना ही नहीं चाहती। इन सभी फिल्मों के गाने और कैरेक्टर, क्या बात है। तुम तोड़ो पिया, मैं ना ही तोड़ू रे। और इस जोड़ी की सेकंड इनिंग के फिल्में भी कम नहीं। करण जौहर की कभी खुशी कभी गम भी इस जोड़ी की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री का जीता जागता उदाहरण है। ए, क्या बोलती तू? क्या मैं बोलूं? सत्तर और अस्सी के दशक में जया जी की कई और फिल्में हैं जिन्होंने दर्शकों के दिलों को छुआ। हारी आई जीवन में, नई हलचल है तन मन में, एक रूप बस। जया जी ने बॉलीवुड में लगभग 40 बेहतरीन फिल्मों में काम किया। बेटी,
तेरा तो भाग खुल गया। अनुप ने तुझे पसंद किया है, वो तुझसे ब्याह करना चाहता है। ब्याह? हाँ, उसकी माँ ने संदेशा भेजा है। मैं उससे ब्याह नहीं करूंगी। क्यों? वो मुझको मारेगा। कई ऐसी फिल्में हैं जिन्हें आज भी मैं जब देखने बैठती हूं तो जया भादुरी का वो चंचलपन सौम्य रूप सामने आ जाता है, जिसे भुला पाना नामुमकिन है। हाय दैया, अरे लाश शर्म घोल के सब पी गई है क्या? अभी तो हथेलियों की हल्दी भी नहीं छूटने पाई और तू ससुराल के आंगन में लगे खुदक के मारने। तो तुम्हारा क्या जाता है? लो पूछती है मेरा क्या जाता है? बड़े अच्छे अच्छे गुप्त सिखा के भेजा है तेरे माँ बाप ने। देखो मेरे माँ बाप को कुछ मत कहना। कहूंगी, हजार बार कहूंगी। तेरा कोई कुछ खाता है कि तुझसे डरेगा? कहने वालों के मुंह पे धूल झोंकती हूँ मैं। रियल लाइफ के साथ साथ जया ने रियल लाइफ में भी सब कुछ परफेक्ट किया। उन्होंने महानायक अमिताभ बच्चन के साथ 1973 में जंजीर फिल्म के सुपरहिट होने के बाद शादी कर ली और 6-7 साल वो शादी के बाद भी फिल्मों में पनी रही। लेकिन फिर 1981 में सिलसिला फिल्म के बाद जया ने बच्चों की वजह से बॉलीवुड से काफी समय तक किनारा कर लिया। फिर तकरीबन 15 से 16 साल के बाद उन्हें साल 1997 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। ये उनकी जिंदगी का ऐसा वक्त था जब उन्हें लगा कि उन्हें एक बार फिर फिल्मों का रुख करना चाहिए। जया ने 1998 में गोविंद निहलानी की फिल्म 1084 की मां से फिर से फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री ली, जिसके बाद 2000 से लेकर 2016 तक कई फिल्मों में एक उम्र गुजर जाने के बाद भी अपनी एक जगह बनाई। फिजा, कभी खुशी कभी गम, कोई मेरे दिल से पूछे, कल हो ना हो, की और का, ये जया जी की सेकंड इनिंग की वो फिल्में हैं जिसमें उन्होंने अपने बेहतरीन अभिनय से दर्शकों का दिल जीत लिया। उन्हें इस दौरान अपने बेहतरीन अभिनय के लिए बेस्ट सपोर्टिंग रोल के लिए कई अवार्ड्स भी मिले। फिल्मी सफर के साथ साथ जया जी का एक और रियल लाइफ रोल भी चलता रहा, समाज में बदलाव लाने का रियल लाइफ किरदार, एक सांसद के रूप में। अपने राजनीतिक कार्यकाल के दौरान राज्यसभा में जया बच्चन ने कई बार बेबाकी से मुद्दों पर अपनी राय रखी है। संसद में बेबाकी से अपनी बात रखने वाली जया को कई बार नकारा भी गया। उनके बर्ताव को रूड बिहेवियर भी कहा गया और जिसने उनके राजनीतिक करियर को डगमगा भी दिया। फिल्मों से राजनीति में गई जया बच्चन को उनके फिल्मी फैंस एक बार फिर से फिल्मों में देखना चाहते थे, लेकिन फिलहाल जया बच्चन का इसे लेकर कोई प्लान नहीं है। जया बच्चन का फिल्मी सफर भी बेहद खूबसूरत रहा है। ये थी हमारी प्यारी गुड्डी की कहानी। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए मुझे यानी विष्णुप्रिया को दीजिए इजाजत। जल्द ही मिलते हैं अगले एपिसोड में।